इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया पार्ट 15 क्लास ऑस्टिक्थिस। इस प्रेजेंटेशन में हम बोनी फिशेस के बारे में कुछ जनरल और इनके की फीचर्स डिस्कस करेंगे। प्लीज वॉच द वीडियो किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। क्लास ऑस्टिक्थिस को बिलोंग करने वाली फिशेस को हम बोनी फिशेस भी कहते हैं क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है और ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं। इनकी सी और ओशन में भी मिलेंगी तो रिवर पॉन्ड और लेक्स में भी पाई जाती हैं ये बोनी फिशेस। और अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन होता है इनमें क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम अमोनोटेलिक इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। और इनकी बॉडी जो इनकी स्किन होती है उस पर साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम इन दोनों तरह के स्केल्स में डिफरेंस समझेंगे। तो ये यहाँ पे स्केल दिखाए हुए हैं, तो जो साइक्लॉइड स्केल को अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी मार्जिन जो है वो स्मूथ है, जबकि टेनॉइड स्केल्स पर ये सेरेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये टेनॉइड स्केल्स हैं। अब हम बोनी फिश में गिल्स और गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को रिकॉल करा देते हैं कि बोनी फिश में हमें अपर कुलम देखने को मिलता है। जैसे ये डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया हुआ है, ये बोनी फिश के गिल्स हैं और ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम अपर कुलम कहते हैं। तो इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से ये गिल्स ढके होते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोनी फिशेस का जो हमें कार्टिलेजिनस फिश में देखने को नहीं मिलता है। और इस डायग्राम की हेल्प से हम गैशियस एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम में देखिए तो वाटर माउथ के थ्रू एंटर करता है और ये गिल्स के थ्रू बाहर आता है। ये जो गिल स्लिट्स हैं इनके थ्रू ये वाटर जो है बाहर आता है। तो इस वाटर मूवमेंट में, क्योंकि इस वाटर में ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, तो अब ये गैशियस एक्सचेंज इन गिल्स में होगा। गिल्स का स्ट्रक्चर आप देखें तो गिल्स ये बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट्स के बने हुए हैं। तो ये फिलामेंट के बने होने से इनका जो टोटल सर्फेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो गैशियस एक्सचेंज उतना ही एफिशिएंट होगा। यहाँ गिल फिलामेंट्स के ये इन्होंने डिटेल स्ट्रक्चर भी दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में। तो इंटरनली देखिए ये ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे नेटवर्क इस गिल फिलामेंट के अंदर दिखाया हुआ है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ रहा है ये गिल के अंदर और फिर ये ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का गिल में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। और ये डायग्राम अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि गिल फिलामेंट के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है और गिल फिलामेंट के बाहर जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर का फ्लो है, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ब्लड अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो वाटर का मूवमेंट इस तरफ है। तो अगर दो तरह के फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इन्हें हम काउंटर करंट कहते हैं। और ये जो व्यवस्था नेचर ने करी है तो इस व्यवस्था से मोस्ट एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है गिल्स में। बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस में हमें स्विम ब्लैडर नहीं देखने को मिलता है। तो डायग्राम में देखिए तो ये जो ये एक ब्लैडर लाइक जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर कहते हैं। और एक बात यहाँ पर और बता दें अपने स्टूडेंट्स को स्विम ब्लैडर के बारे में जानकारी देने से पहले कि बोनी फिशेस के पास टर्मिनल माउथ होता है। जब हमने कार्टिलेजिनस फिश बताई थी तो कार्टिलेजिनस फिशेस में हमने देखा था कि वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है। शार्क को विजुलाइज कर लीजिए तो वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है, यानी कि जो उनका माउथ है वो वेंट्रली सिचुएटेड है, जबकि बोनी फिशेस में जो माउथ है वो टर्मिनली सिचुएटेड है। वापस स्विम ब्लैडर को डिस्कस करते हैं, तो ये स्विम ब्लैडर एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये एयर को भर सकती हैं। और इस डायग्राम से देखेंगे कि ये किस तरह से एयर ब्लैडर को यूज करती हैं अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर वाटर बॉडी में इनको ऊपर की तरफ आना है तो देखिए इस डायग्राम में तो ये एयर ब्लैडर में एयर खूब सारी भर लेंगी। तो थोड़ी सी फिजिक्स रिकॉल कीजिए, तो एयर भरने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है बॉडी की वो
कम हो जाएगी, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऊपर के लेवल में आ जाएंगी, जिस वाटर बॉडी में ये स्विम कर रही हैं तो सरफेस की तरफ आएंगी। और अगर इनको नीचे जाना है उस वाटर बॉडी में तो वो एयर को निकाल देंगी, और यहाँ पे जैसे जैसे एयर का कंटेंट कम होता चला जाएगा वैसे वैसे इनका जो लेवल है वाटर बॉडी में वो भी नीचे की तरफ चलती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये स्विम ब्लैडर को यूज़ करती हैं किसी भी वाटर बॉडी में अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए। बोनी फिश में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बोनी फिशेस डाइशियस होती हैं, मेल और फीमेल दो अलग तरह के इंडिविजुअल्स हमें बोनी फिश में देखने को मिलते हैं, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स को वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है और वाटर बॉडी में ही वो गैमीट्स फ्यूज होंगे, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये ओवीपैरस होते हैं क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो एग ले करती हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें बोनी फिशेस में, कोई लार्वल स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मरीन फिशेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमने एग्जॉसिटस फिश दिखाई हुई है जिसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ये उड़ नहीं सकती है बिल्कुल डाउट की बात नहीं है, लेकिन इनके पेक्टोरल फिन को आप देखिए डायग्राम में तो ये काफ़ी बड़े हैं, तो पेक्टोरल फिन बहुत बड़े होने की वजह से ये ग्लाइड कर पाती हैं, काफ़ी ऊँची ऊँची छलांग लगा पाती हैं, तो इस वजह से इन्हें हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। और यहाँ देखिए हिप्पोकैम्पस, इसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे मेल सी हॉर्स दिखाया हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास एक ब्रूड पाउच होता है, एब्डोमिनल रीजन में एक ब्रूड पाउच होता है, और फीमेल इस ब्रूड पाउच में एग ले करती है, और यंग वंस जब एग से जो यंग वंस बाहर आते हैं तो ही वो ब्रूड पाउच को छोड़ते हैं या ब्रूड पाउच से बाहर आते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कुछ इंपॉर्टेंट मरीन फिशेस के बारे में। अब हम कुछ फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल देखेंगे, तो ये हमने ये लेबियो की पिक्चर दिखाई हुई है और ये क्लैरियस है, ये दोनों ही फिशेस एडिबल हैं, और यहाँ ये हमने टेरोफाइलम की पिक्चर दिखाई हुई है, इसे हम एंजल फिश भी कहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर और ये एक एक्वेरियम फिश है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो इसको एक्वेरियम में मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। बहुत ब्रीफ में एक अनोखी फिश के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको हम काइमेरा कहते हैं और कॉमनली इसे रेड फिश भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है, इसके पास कुछ फीचर्स कार्टिलेजिनस फिश के होते हैं और कुछ बोनी फिश के होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच का। तो इस डायग्राम की हेल्प से वो फीचर्स डिस्कस करेंगे, तो इनके जो तीन मुख्य फीचर हैं, एक तो एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस है, और स्किन पे प्लेकोइड स्केल्स हैं, और ये पेल्विक फिन से एसोसिएटेड ये एक क्लैस्पर्स हैं। तो ये जो तीन फीचर्स हैं इसके, ये तीनों फीचर्स कार्टिलेजिनस फिश से मिलते हैं, जो ये फीचर्स हमें कार्टिलेजिनस फिशेस में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो गिल स्लिट्स इसके एक्सपोज्ड नहीं है, यहाँ पर गिल कवरिंग है या जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं, तो वो यहाँ पर इस फिश के पास प्रेजेंट होती है, तो ऑपरकुलम का होना एक बोनी फिश का फीचर है। तो इस तरह से काइमेरा बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बीच का लिंक है। अब हम कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्टिक्थिस के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टिस मींस कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिक्थिस मींस बोनी फिशेस। तो इनके कुछ मुख्य डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है कॉन्ट्रैक्टिस के पास और बोनी एंडोस्केलेटन होता है बोनी फिश के पास, और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्टिस में जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, जबकि बोनी फिश का माउथ टर्मिनल होता है, और नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है कार्टिलेजिनस फिशेस में, जबकि वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से बोनी फिशेस में, और 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के पास, जबकि 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं बोनी फिशेस के पास। फिर हम देखेंगे कि ऑपरकुलम एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, जबकि ऑपरकुलम प्रेजेंट है बोनी फिशेस में। उसके बाद हम देखेंगे कि
कार्टिलेजिनस फिश के स्किन पर प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, जबकि बोनी फिशेस के स्किन पर साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एयर ब्लैडर एब्सेंट है कार्टिलेजिनस फिशेस में, जबकि प्रेजेंट है बोनी फिशेस में। और मेल्स के पास पेल्विक फिन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्लैस्पर्स कहते हैं। ये क्लैस्पर्स हमें कार्टिलेजिनस फिशेस में देखने को मिलते हैं, जबकि बोनी फिशेस में ये क्लैस्पर्स एब्सेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये ओवोविविपेरस हैं, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवोविविपेरिटी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन में, क्लास कॉन्ट्रैक्टिस के प्रेजेंटेशन में। और जो बोनी फिशेस हैं वो ओविपेरस हैं। तो यहाँ पे हमने ये कुछ बहुत ही मुख्य फीचर्स को यहाँ पे कंपेयर किया है कार्टिलेजिनस फिशेस के और बोनी फिशेस के।